केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चंडीगढ़ में लंपी वायरस को लेकर बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में लंपी वायरस के रोकथाम के लिए प्रयासों और स्थिति पर चर्चा की गई। आपको बता दें, पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग काफी सतर्क हो चुका है। अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, तो इसमें जो मृत्यु हो रही है और जो गाय इफेक्टेड एनिमल्स हैं और उनको मरने के बाद खुले में छोड़ दिए जाते हैं, तो इनकी गाइडलाइंस में बहुत ही स्पष्टता से हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि उसको ठीक तरह से बरी किया जाए और उसकी सावधानी बरतने के लिए भी अभी दोनों सरकारों के सामने भी ये विषय ठीक तरह से हमने स्पष्ट कर, सरकार हमसे उस विषय में मदद मांगेगी तो राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में जिस प्रकार के कारोबार की व्यवस्था है कि भारत सरकार की मदद किस मत से कैसे किस प्रक्रिया से राज्य सरकारों को दी जाती है, हम तो ये मदद इनको एक्सटेंड करने के लिए और उनको बताने के लिए सामने से ही तो इधर आए हैं, तो वो तो राज्य सरकार और हमारे बीच में वो चलता ही रहता है निरंतर। उपभोक्ताओं के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि इफेक्टेड गौशाला नहीं होती, इफेक्टेड एनिमल्स होते हैं और इफेक्टेड एनिमल्स का दूध है वो डायरेक्ट रो मिल्क यूज करना वो हेल्थ के लिए सलाहनीय नहीं है, मगर इसको उबाल कर या पेस्ट